हेलो, वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है. वेलकम वेलकम वेलकम, सभी का मैं स्वागत करता हूँ. मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर और मैं सभी आप लोगों का जो ये प्रोग्राम में आए हैं उनका स्वागत करता हूँ. वेलकम. आज के प्रोग्राम में हु मूड माई चीज, ये प्रोग्राम हम ले रहे हैं स्ट्रेस फ्री इंडिया, स्ट्रेस फ्री सोसाइटी के अंतर्गत ये प्रोग्राम हम ले रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए होगा. वर्मा जी को किया है होस्ट. यस यस. तो मेरे साथ में प्रवीण वर्मा जी भी है. प्रवीण वर्मा जी है. प्रवीण वर्मा जी, आप कहाँ हो? यस, इधर है. हाँ जी यस. दीपा सिंह, नितिन माने, दिव्या अरोरा, सुनीता अग्रवाल, सतीश, सुनीता चौधरी, यस, रंजीत सिंह, अश्वन हिरवाणी, मंगल जोगदंड, इंदिरा मेघवाल, नैना जैन, वेलकम, सरिता रहांगडले, गोंदिया, बाबा डाकोरे, नमस्कार, सुनीता फ्रॉम इंदौर, यस वेलकम, राघव, गुड मॉर्निंग. अच्छा, आपके तरफ गुड मॉर्निंग है. राघव, आप कहाँ से? उधर अमेरिका से है क्या? गुड मॉर्निंग राघव, आप अमेरिका से हो, वहां गुड मॉर्निंग चल रहा है. राघव, जो लोग बाहर से है, बाहर के देश से, वो अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, बाहर देश के है तो. शुभा डाकोरे, वेलकम, यस, विशाल दीप. तो सभी को रिक्वेस्ट है कि आप आपका वीडियो चालू रखे, वीडियो चालू रखो और ऑडियो बंद रखो. जब आपको बात करना है तो ऑडियो चालू रखो, तब तक ऑडियो बंद. ठीक है. सतीश दुद्दलवार, सुनीता इंदौरे, यस इंदौर, सुनीता फ्रॉम इंदौर, यस ओके. तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, सबके हाथ पहले से ऊपर है. अभी मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया, लोगों के हाथ ऊपर है. मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपने टॉपिक को कनेक्टेड ही सवाल जवाब करना है, क्योंकि मैं अलग अलग वेबिनार लेता हूँ, आपको ही वेबिनार का इधर लाएंगे तो वो एंसर करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, है ना. हिप्नोटिज्म का वेबिनार चलता है, सेक्स का वेबिनार चलता है ना, फिर बिजनेस के वेबिनार चलते हैं, फिर ग्रेटिट्यूड का वेबिनार चलता है. तो आज का जो वेबिनार है हमारा, वो स्ट्रेस फ्री इंडिया का है. स्ट्रेस फ्री इंडिया, स्ट्रेस फ्री सोसाइटी, उसका वेबिनार है. और जो हम टॉपिक क्रिएट करने वाले हैं, वो टॉपिक के बारे में ही आप उसको ही चिपक कर आप चर्चा करेंगे, ऐसी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं. यस हाँ, वर्मा जी, आपको कुछ बोलना है? एनीथिंग, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. नहीं, कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए ना, आप कंटिन्यू कीजिए सर. हाँ ओके. तो यस, राघव आप कहाँ से हैं? आप वीडियो चालू करो. वीडियो आपके यहाँ गुड मॉर्निंग है. आप अमेरिका से है क्या? जो लोग मुझे पहचानते नहीं उनको मेरा परिचय करवा देता हूँ. मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर और मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ. महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मैंने MBBS, DPM, DNB और MD किया है. DPM बेंगलोर से किया है, MD चंडीगढ़, DNB दिल्ली और MBBS नागपुर से किया है. मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पर्सनल कोच हूँ, लैंडमार्क का सेमिनार लीडर था, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट. YouTube के ऊपर मेरे कम से कम 13 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं सब चैनल मिला के. और हमारी ब्रांचेस जो है, ये 200 बेड का हमारा हॉस्पिटल है अकोला में, ये 50 बेड का हॉस्पिटल है अकोला में, मेंटल हॉस्पिटल है दोनों भी, मानसिक रुग्ण यहाँ भर्ती होते हैं. ये जो हॉस्पिटल है यहाँ हम बिना रिश्तेदार लोगों को भर्ती करते हैं, बिना रिश्तेदार हम लोगों को भर्ती करते हैं. और ये जो हॉस्पिटल है इसमें रिश्तेदारों के साथ में हम भर्ती करते हैं, ठीक है ना.
स्टोरी। ये हमारा सिटी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये हमारा नागपुर का हॉस्पिटल है। ये मेरे कुछ किताबें हैं, आपको अमेजोन पे मिल सकती है। और हम आएंगे अभी हु मूड माई चीज। तो ये कार्यक्रम आज का हम शुरू करने वाले हैं। स्ट्रेस फ्री इंडिया, स्ट्रेस फ्री सोसाइटी हमारा संकल्प है कि हम स्ट्रेस फ्री तनाव मुक्त भारत अभियान शुरू करें। और तनाव मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत चेंज के बारे में जब हम बात करते हैं, चेंज चेंज मतलब बदलाव, चेंज मतलब परिवर्तन, तो वो चेंज जो है ना, वो हमें बहुत टेंशन देता है। और जब चेंज हमें टेंशन देता है तो चेंज हम करना नहीं चाहते। ओके, इंद्र कुमार बोलिए। इंद्र कुमार आपका वीडियो नहीं, ऑडियो नहीं चल रहा है। इंद्र कुमार आपको ऑडियो चलाना पड़ेगा। तेरा सांगा फोन तो तेरा मैसेज था का, इंद्र कुमार आपको ऑडियो नहीं चल रहा है। यस, तो इसके बारे में किसको क्या कहना है, चेंज के बारे में किसको कुछ कहना है। चेंज ये टॉपिक इतना हमने लिया, 10 सेशन का टॉपिक है ना, 10 सेशन का टॉपिक है। तो 10 सेशन हम क्या करने वाले, 10 सेशन, कि हमने चेंज टॉपिक क्यों लिया, इतना महत्व का टॉपिक क्यों है ये, आपको क्या लगता है, आपको क्या इसके बारे में मालूम है, क्या आप कहना चाहोगे, एनीबडी। यस कांता जी बोलिए, कांता काटे बोलिए, कांता। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोलिए। चेंज के बारे में मुझे ये बोलना है कि वी शुड एक्सेप्ट द चेंज। हमने जो बदलाव है सभी तरह का, जैसे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आए हैं, वो हमने क्या बोलते, एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर जो वातावरण में चेंजेस आए हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हेल्थ के मामले में चेंजेस आए हैं वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हमको आगे बढ़ने में आसानी होगी। नहीं तो हम जहां हैं वहां अटक के पड़े रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। यस गुड। तो चेंज बहुत जरूरी है, और चेंज हम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। चेंज नहीं करेंगे तो हम कहाँ लुप्त तो हो जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए चेंज बहुत जरूरी है, और इसके बारे में हमने ये टॉपिक लिया हुआ है ना। और 10 सेशन का ये टॉपिक है, 10 सेशंस, ठीक है। यस नैना बोलिए, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए। हाँ सर, चेंज का टॉपिक इसलिए भी लिया है कि मीन्स अगर समझो हम एक चीज करते हैं कंटिन्यू, वही चीज हम लोग रोज रोज कर रहे हैं तो वही हमें मिल रहा है। कुछ नया और कुछ अलग करेंगे तो कुछ और नया कुछ मिलेगा। मतलब सेम चीज अगर करते तो उसमें से वही मिल रहा है, रोज रोज का ही हो रहा है। अगर कुछ नया करते हैं तो कुछ और नया मिलेगा। थैंक यस यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। देखो, पहले की दुनिया और अब की दुनिया, इसमें बहुत फर्क हो चुका है। इतना इतना फास्ट चेंज हो रहा है, इतना फास्ट चेंज हो रहा है, और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमको चेंज को एडजस्ट करना भी तकलीफ हो रही है। इतना फास्ट चेंज हो रहा है, एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे। और लेकिन इतनी तेजी से है कि उन चेंजेस को हम अपना भी नहीं पा रहे, एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे। इतना प्रॉब्लम, इतना फास्ट हो रहा है, बहुत ही फास्ट। अब देखो ना, अभी हार्ट अटैक से कितने लोग मर रहे हैं। चलता फिरता घर का आदमी, अपने परिवार का आदमी, अपना रिलेटिव्स हार्ट अटैक से मर जाता, खटाक चले गए, मालूम ही नहीं पड़ा। चेंज को कैसे एडजस्ट करेंगे, बहुत डेथ हो रही है हार्ट अटैक से। और जितनी भी डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, उससे आधी डेथ, 50% डेथ जो है वो 50 के उम्र के नीचे वाले लोगों की हो रही। मतलब पहले बोलते थे कि नहीं, यंग एज में हार्ट अटैक नहीं आता है, अभी वो हो रही 50 के नीचे की उम्र के लोग। अभी नई नई बीमारियां, अभी कोरोना सुना भी नहीं था किसने, है ना। जनवरी 2020 में पहला, मतलब पहला कोरोना केस निकला इंडिया में, मेरे ख्याल से 2020 में, केरला में 2020। और मार्च में हमको लॉकडाउन लगा दिया। नरेंद्र मोदी आए एक दिन टीवी के ऊपर, बोले लॉकडाउन सब बंद मार्च में, और हमको पता ही लगा भी कैसा करना। अरे बाप रे, सब बंद, ट्रेन बंद, बस बंद, घर के बाहर निकलना नहीं, रोड पे जाना नहीं, फटके खाएंगे रोड पे जाएंगे तो। और लोगों को समझाया नहीं भी क्या करना क्या है, इतना चेंज हो गया एक दिन में, मालूम ही नहीं पड़ा ऐसा कुछ है।
फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, लोगों के कपड़े पहनने में चेंज हो रहा है। अब एक लड़की को मेरे यहां लाया, वो 9वीं क्लास में है, 9th क्लास में, वो एकदम शॉर्ट्स पहनती है एकदम, और उसके माँ बाप को चलता नहीं। वो बोलती मैं सब पहन दिया लड़कियां, मैं क्यों नहीं पहनू। बोले अपने यहाँ अपने संस्कृति में अपने कल्चर में बैठता नहीं। माँ बाप बोलते हैं नहीं, बोले सब तो पहन रहे साथ वाले लोग, तो क्यों नहीं करना। तो कपड़े पहनने का ढंग बदल गया। डायबिटीज तो इतना हुआ है, डायबिटीज, शुगर खा रहे लोग। आपको मालूम है मैं हरदम बोलता हूँ, शुगर इज एन एडिक्शन, शक्कर एडिक्शन है, और शक्कर खाना मतलब क्रॉनिक सुसाइड है। आप जब ये मीठी चीज खा रहे हो तो आप धीरे 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 आत्महत्या कर रहे हो। चलो है, इतना डायबिटीज बढ़ा हुआ है। रिलेशनशिप में चेंजेस आ गए, है ना। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, लोग रहते थे अच्छी तरह से, अभी ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते नहीं है। अभी लड़का थोड़ा बड़ा हो गया तो वो भी निकल जाता है बाहर पढ़ने के लिए, कंपनी में इधर उधर चले जाएंगा, तो वो भी हो रहा है। मैं बोलूंगे मैं दे रहा सनी कैसा हूँ, मेरे चल रहा है वर्कशॉप चल रहा है। हाँ तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, बिजनेस में कितने बदलाव है। मतलब जो बिजनेस चालू थे, होटल्स का वर्कशॉप चालू था, होटल चालू था, होटल की इंडस्ट्री बंद एक दिन में, ट्रेवल टूर इंडस्ट्री बंद, हवाई जहाज सब खड़े हो गए एक जगह पे, बसेस सब खड़ी हो गई एक जगह पे, ट्रेन जहां थी वहीं रुक गई एक दिन में, मोदी ने अनाउंस कर दिया। तो एक दिन मोदी अनाउंस किया कि अभी 1000 के नोट नहीं चलेगी, बंद, खलास, एक दिन में खड़ा, मालूम ही नहीं पड़ा क्या हो रहा है। तो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं देखो आप। यह सुनीता आपका हाथ ऊपर है, बताइए सुनीता जी। बोल रही थी कि नोटबंदी और ये सब चीजें बहुत बहुत चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है कि एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। एक्सेप्ट भी करते हैं, आगे भी बढ़ना है तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, पर एकदम से वो हिल जाते हैं। जैसे नोटबंदी हुई थी तो पूरा इंडिया हिल गया था, और कोरोना में भी पूरा इंडिया हिल गया। इंडिया क्या, दुनिया हिल गई, दुनिया हिल गई, हिल गई, पूरी दुनिया हिल गई। पर वो तो एकदम से ऐसा चेंज होता है ना, तो एकदम एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे चेंज होता है, वो होता ही नहीं, अब तो सब फास्ट ही हो रहा है आजकल। मॉल्स, नवीन ने लिखा है, मॉल्स बंद हो गए, सिनेमा थिएटर बंद हो गए, बाजार बंद हो गए बड़े बड़े, तो सब घर बैठ गए लोग। अच्छा, जिनके पास में स्टॉक क्या हुआ था, कुछ पूंजी थी, उनका ठीक था, जो हाथ पे खाते हैं तो सब घर पे बैठ गए लोग, है ना। यानी लिटरली उस समय 2020 अप्रैल मई महीने में लोगों को प्रॉब्लम हो गया कि भाई खाना क्या खाना। तो फिर हमारे यहाँ सब वो लंगर चालू किए, कहीं कहीं लोग जा रहे थे, लंगर चालू किए कि भाई घर घर लोग खाना पहुंचा रहे थे। स्टार्टेड, हाँ नवीन लिख रहा है, स्टार्टेड वर्क फ्रॉम होम। अब जब वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया तो सिर को सिर टकरा रहा घर में, तू तू मैं ज्यादा होने लगी, क्योंकि जितना लोग बाहर रहते हैं तो अच्छा रहता है, घर में रहेंगे तो तू तू मैं जा रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन, यस एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो गई पूरी। मतलब बच्चों को मोबाइल देने को माँ बाप तैयार नहीं थे, अब माँ बाप बच्चों को मोबाइल देते, बोलते मोबाइल ले पढ़, मोबाइल ले पढ़, पढ़ाई कर, है ना। पहले मोबाइल नहीं देने को तैयार थे। योगा एंड मेडिटेशन, यस नवीन लिख रहे हैं, योगा एंड मेडिटेशन चालू किया लोगों ने ज्यादा, पहले मालूम ही नहीं था क्या था। तो यस मोहम्मद ताहा बोलिए, ताहा जी, मोहम्मद ताहा बोलिए, अनम्यूट किया आपको। मोहम्मद ताहा, इसको सचिन यवतमाल, सचिन को करो, सचिन बोलिए। हाँ सर, ऐसे चेंज एक सिंपल सा एग्जांपल है सर, जो आवाज आ रही सर मेरी? हाँ हेलो, यस। हाँ एक सिंपल सा एग्जांपल सर, जो नोकिया की टेक्नोलॉजी थी सबसे बेस्ट था उस वक्त नोकिया मोबाइल, लेकिन उन्होंने नए दौर से कुछ नया टेक्नोलॉजी, उसलिए अभी वो बाहर चले गए, उनका नामोनिशान नहीं रहा है सर टेक्नोलॉजी का। इसलिए चेंज बहुत जरूरी है, नहीं तो आप व्यापार से बाहर जाएंगे और पूरे बिजनेस से बाहर हो जाएंगे सर। या
बहुत होगा ना, बहुत ही हो गया ना। हाँ, और दूसरा सर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जो पहले बड़े बड़े टीवी थे और वीसीआर वीसीडी वो जो रिपेयर वाले थे सब कर पाते थे, लेकिन अभी पूरी चेंज हो गई है। एलईडी किट एलसीडी किट रिपेयर वाले ने वो सीखा तो उनकी बिजनेस चलेगी, नहीं तो पूरा आउट हो जाएंगे, पूरा आउट हो जाएंगे। इसलिए वक्त से चलना चाहिए सर। हाँ थैंक यू सर। यस अखिलेश तिवारी क्या बोल रहे, आवाज म्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ अखिलेश जी बोलिए। आयुर्वेदिक काढ़ा शुरू हो गया। हाँ आयुर्वेदिक काढ़ा शुरू हो गया, बताया सब लोगों को। यस पुरानी चीजें शुरू हो गई। यस दीपक पाटनी जी बोलिए, दीपक पाटनी करो अनम्यूट। हाँ सर, सर बाहर की दुनिया में तो बदलाव आए ही आए, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव लोगों के भीतर की दुनिया में आए, यानी उनका नेचर, एक दूसरे के साथ व्यवहार, उसके बाद में आपस के मतलब पहचान वालों के लोगों के साथ में भी उनका जो व्यवहार है वो सब बातें चेंज हो गए सर। मतलब जो लोग कोऑपरेटिव थे, एक दूसरे के हेल्प करते थे, वो सब लोग अब एक दूसरे को टालने लग गए कोरोना के पीरियड में, और बहुत सब बहुत बड़ा बदलाव लोगों के बिहेवियर में आया सर। या कितना फर्क आ गया कि सगी माँ सगा बाप मर गए कोरोना से तो लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं अपने वालों को, है ना। अब क्या करे, है ना। तो ऐसे चेंजेस रोज आते रहते, रोज, ऐसा नहीं कि कोरोना आ गया करके, ऐसे चेंजेस तो रोज ही आ रहे हैं ना। अरे जो मोबाइल आज से 5 साल पहले था वो तब को कितना, अभी कितना पुराना लगता है मोबाइल। 5 साल पहले का मोबाइल, अरे बोले फालतू मोबाइल है, कौन सा ले रहे तुम, है ना। हाँ तो मोबाइल तो रोज हर हफ्ते में नया आता है, हर हफ्ते में नया मोबाइल आता है। नहीं 5 साल पहले तो हम देख भी सकते नहीं, मतलब हाथ भी लगाएंगे नहीं। 5 साल पहले मोबाइल को हम हाथ भी लगाएंगे नहीं। आप आज मोबाइल खरीद लो, 8 दिन बाद में आपका कोई दोस्त नया मोबाइल खरीदता है तो आपका पुराना लगता है कि यार अपना तो पुराना हो गया, 8 दिन हो गए, है ना। तो ये सब जो है वो हमको देखना है कि भाई देखो चेंज इतना हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, लोगों को एक एक घंटा दो दो घंटा लगते थे अपने ऑफिस में जाने के लिए, अभी जाने की जरूरत ही नहीं, घर से ही काम कर रहे, ट्रांसपोर्टेशन बच गया, फायदा हो गया लोगों का, है ना। डिजिटल प्रेजेंस आ गया, अभी जो लोग हमारे यहाँ, समझो मेरे यहाँ अभी पेशेंट आते हैं तो वो 100 किलोमीटर दूर से आता है, तो बोलते थे कि आपके यहाँ आना बोले तो 2-3 घंटा आना, 2-3 घंटा जाना, 2-3 घंटा हॉस्पिटल में एक पेशेंट के साथ में 2-3 लोग, तो इतना सारा खर्चा पुरता नहीं। अभी क्या हो गया, अभी ऑनलाइन हो गया, लोग भी एडजस्ट हो गए, हम भी एडजस्ट हो गए। अभी वो फोन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऑनलाइन हम यहाँ से दवाई भेज देते हैं और खत्म काम, उनका पैसा भी बच गया, जल्दी काम हो गया, ये भी मतलब फायदा हो गया लोगों का। कुछ लोगों की सैलरी कम हो गई और कुछ लोगों की सैलरी बढ़ गई, कुछ लोगों के जॉब चले गए तो कुछ लोगों को प्रमोशन मिल गया, कितना सारा बदल है, है ना। तो ये चैलेंजेस जो है वो चैलेंज हमारा है कि ये कैसे अपना है, ये चेंज जो है अपन कैसे अपना है, क्योंकि चेंज यदि आप अपनाएंगे नहीं, चेंज आप को चेंज को एडजस्ट नहीं होंगे तो जीवन जीना ही मुश्किल मुश्किल है जीवन जीना। तो इसलिए चेंज को अपनाना बहुत ही जरूरी है। यस सतीश दुग्दलवार बोलिए। सर एक कोरोना की बीमारी चालू हुई और लोगों ने, बहुत लोगों ने उसको माना ही नहीं, मास्क नहीं पहना, सैनिटाइजर यूज नहीं किया, डॉक्टर की दवाई नहीं ली, जनरल फीवर एक करके समझा, और उसमें से बहुत लोग गुजर गए सर, उसमें से हमारे एक मामा भी थे। तो लोगों ने चेंज नहीं माना और इसको एक्सेप्ट नहीं किया और जिंदगी से हाथ धो बैठे सर कुछ लोग। यस तो कोरोना से तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया, मगर कोरोना छोड़ के भी देखो ना, देखो तो एक जमाने में एम्बेसडर जो थी गाड़ी, एम्बेसडर, तो मुझे पक्का याद है कि, और फियाट थी उस समय, प्रीमियर पद्मिनी, तो मेरे बचपन में मुझे याद है कि हमारे
एक रिलेटिव थे दूर के, वो डॉक्टर थे और हमारे शहर में अकोला में ऐसे गिन चुन के 4-5 गाड़ियां थी वो टोटल अकोला में। वो जब हमारे यहाँ आते थे गाड़ी लेके तो हम गाड़ी को हाथ लगाने के लिए डरते थे, हाथ लगाना तो वो चिल्लाएंगे अरे गाड़ी को हाथ लगाएंगे, ऐसा फियाट पद्मिनी या एम्बेसडर कार। अभी वो बोलते थे नहीं हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको कुछ नहीं होगा। तो ये कब की बात कर रहा हूं मैं, ये 1965 की बात कर रहा हूं, 1966। और 1982 में शायद मारुति आ गई, 1982। और ये कार कहां चली गई मालूम ही नहीं पड़ा, एम्बेसडर पद्मिनी। तो एम्बेसडर बोलो तो शान, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पूरे मिनिस्टर सबके पास में एम्बेसडर कार है, मालूम ही नहीं पड़ा कहां चली गई। नंबर लगता नहीं था, नंबर लगाना पड़ता था। वेस्पा स्कूटर जो थी वेस्पा, वो वेस्पा का नंबर 3-3 साल लगाना पड़ता था, अभी दिखती भी नहीं है, 4 साल नंबर लगाना पड़ता था स्कूटर का, स्कूटर मिलती नहीं थी। फोन, फोन जो है लैंडलाइन 3-3 साल 4-4 साल फोन मिलता नहीं था, अभी तुम्हारे पीछे लोग घूमते फोन लो हमारा फोन लो करके मोबाइल, 4-4 साल फोन हाथ में नहीं आता था। और मैं जब आया 1983 में अकोला में, तो जिस दिन आया उस दिन मेरे को लेटर मिला कि आपका फोन का नंबर लग गया, फोन का नंबर मिला आपको और कनेक्शन आपका मिला। मैंने कब अप्लाई किया था, 4 साल पहले, और 4 साल पहले के बाद में मेरे को जिस दिन मैं अकोला में आया उसी दिन मेरे को लेटर आया था। हमने बहुत बड़ी पार्टी की थी, तो फोन आ गया, मतलब बाप रे क्या हो गया। आज वो लैंडलाइन का फोन दिखता भी नहीं, लोगों के पास में है नहीं, कोई वापरता भी नहीं लैंडलाइन। फिर बाद में कॉइन बॉक्स आ गए, है ना, वो पब्लिक के वो आ गए, पब्लिक क्या बोलते उसको, कॉल सेंटर वहां जाके लोग फोन करते थे, एसटीडी बूथ आ गए, हाँ एसटीडी आ गए। यस बैजूस, बैजूस क्या है, बैजूस एचआर मैनेजमेंट, ये क्या है भैया, नहीं वो व्यक्ति का नाम लिखा है उन्होंने। अब वीडियो चालू करो, बैजूस कंपनी है सर, एजुकेशनल कंपनी है, हाँ ना, उनके ऊपर नाम लिखा है बैजूस करके, कोई तो भी है व्यक्ति। यस तो ये सब जो है ना, तो ये हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे एक बुक की। जैसा हम सवेरे हम बुक रिव्यू करते हैं ना सुबह सुबह, वो है ग्रेटिट्यूड का। तो ये बुक जो है, ये हु मूड माय चीज, ये बुक है, ये बुक डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन इन्होंने लिखा हुआ है, और ये डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन का बुक है। ये आपको ऑडियो में मिलेगा, गूगल में जिसकी जानकारी मिलेंगी, वीडियो है, ऑडियोज है, सब है, इसके रिव्यूज है लगे उतने है। मगर हम जैसा वो ये करते हैं ग्रेटिट्यूड में एक 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 लेसन, वैसे इसके लेसन नहीं है, मगर हम उसके बारे में एक 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 पार्ट लेते जाएंगे, और 10 सेशन में हम ये करेंगे। तो 10 सेशन में आप करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि 10 सेशन के बाद में आप आज जो है वो नहीं रहेंगे, डेफिनेटली आपको फायदा दिखेगा आपके खुद के बर्ताव में। तो ये हम 45 मिनट्स का करेंगे, 8 से लेकर 9 बजे तक, और हम 9 बजे खत्म करेंगे, ठीक है ना। ये बुक रीडिंग नहीं करेंगे, हम बुक रीडिंग नहीं करने वाले हैं, हम ऐसी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हु मूड माय चीज, हु मूड माय चीज, इसका मीनिंग है कि मेरा चीज किसने हटाया, और चीज मतलब खाने का चीज जो रहता है ना, खाने का चीज, एक पनीर रहता है और एक चीज रहता है, मक्खन, मक्खन सर, मक्खन बोलो या चीज आता ना, चीज, चीज बटर मसाला हम लेते हैं, चीज बटर मसाला खाते हैं ना होटल में जाके, तो चीज बटर मसाला वाला चीज जो है वो चीज मक्खन है एक्चुअली, वो चीज बनता है अलग तरह से, उसकी प्रोसेस है, तो वो चीज चीज है, मतलब चीज मतलब कोई वस्तु नहीं है, चीज मतलब खाने की चीज, जो हम चीज बटर मसाला खाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इसकी 28 मिलियन कॉपी, मतलब 2,80,000 कॉपीज ये किताब की बेची गई है अभी तक, 2,80,000 कॉपीज बेची गई। ये डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन जो है वो मर गए 7 जुलाई 2017 में, उनका देहांत हो गया, मगर ये बुक के माध्यम से वो अभी भी जीवित है, अजरामर हो गए वो, ठीक है ना। तो ये बुक के बारे में हम ये करने वाले, हु मूड माय चीज, चीज मतलब खाने की चीज। यस राजेश्वर आपको कुछ बोलना है,
राजेश्वर। हाँ सर, अभी आप जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि बदलाव, तो मेरा ये सवाल था कि अभी इतना चेंजेस हो गए और बहुत सारे लोग हैं जिनके माँ बाप गुजर गए या फिर ऑल ऑफ द सडन उनकी नौकरी चली गई और अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यंग लड़के स्पेशली या फिर जो उनके घर में इकलौते हैं वो जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, बस इसके बारे में कुछ। बस वही उसके बारे में किताब है, ये हम देखेंगे 10 सेशन में। तो मेरी ऐसे रिक्वेस्ट रहेंगे सबसे कि आप एक भी सेशन मिस मत करो। हम हर गुरुवार को 8:15 बजे और हर शनिवार को 8:15 बजे सेशन लेंगे। मतलब ये 5 हफ्ते सेशन चलेगा, सेम लिंक रहेगी, यही लिंक रहेंगी। आपको लिंक मिली नहीं तभी भी आपने इसमें ज्वाइन होने का है। याद दिलाना हमारा काम नहीं है, आपने अपने आप को याद दिलाने का है। हम अभी इसके बाद में भेजेंगे, हम आपको लिंक भेजेंगे, सब करेंगे, मगर लिंक मिलती नहीं है करके आए नहीं, ऐसा मत बोलो। आप बराबर अलार्म लगा के रखो अपनी घड़ी में और 5 लिंक यही रहेंगी, मगर लिंक अगर मत बोलो ये लिंक पे आ जाना है ना। यस, तो वही हम देखेंगे। यस अंता जी बोलिए। एक सवाल है, जैसा आपने बोला अभी कि ये हर सैटरडे को रहेगा और थर्सडे को, समझो हमारा मिस हो गया एक सेशन, तो वो रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? क्योंकि समझो अगर मैं जर्नी में हूँ, मैं वहां से लॉग इन कर सकती हूँ। यूट्यूब में डाल देंगे, यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वहां जाके देखना पड़ेगा, वहां जाके देखना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, और मैं यूट्यूब चैनल की लिंक डाल रहा हूँ अभी, तो आप सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल। और मैं टेलीग्राम ग्रुप भी लिंक डाल रहा हूँ, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, है ना। और आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक डाल रहा हूँ, ताकि आपको ये सब लिंक मिलते जाएंगे हमारे। ओके, यस गॉट इट, यस थैंक यू। अमरदीप नारांजे, नारांजे अमरदीप बोलो, अमरदीप। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हु मूव्ड माय चीज, मेरा चीज किसने हटाया, है ना। ये चीज मतलब आपको मैं देखा होगा, ऐसे क्यूब्स आते हैं चीज के, क्यूब्स भी आते रहते हैं, रेडीमेड मिलते रहते, बड़े बड़े चीज। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कौन से देश में हम गए थे, मेरे ख्याल से बैंकॉक पटाया, वहां चीज या सिंगापुर, चीज की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है चीज की, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री, चीज बनता है वहां। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना, ये कहानी दो चूहे की है और दो चूहे का नाम है स्निफ एंड स्करी। स्निफ एंड स्करी ये दो चूहे है और इन्होंने एक कैरेक्टर, मतलब एक रूपक है, रूपक। चीज मतलब क्या है, चीज मतलब एक्चुअली आप चीज मत समझो, ये रूपक है। तो मतलब एक रूपांतर, एक ऐसा रूप दिया हुआ है, कुछ भी बोलना करके बोला कि चीज, है ना। तो ये जो आपको ये नाम रखना है ख्याल में, स्निफ एंड स्करी, ये दो नाम है चूहे के, ये दो चूहे थे, उनके बारे में ये कहानी है। और वैसा ही दो आदमियों के बारे में कहानी है, छोटे छोटे आदमी है दो। तो एक है हॉ एंड हेम, एक का नाम है हॉ और एक का नाम है हेम। ये दोनों भी नाम आपने, मतलब ये चारों भी नाम आपने ख्याल में रखना है। हॉ एंड हेम ये आदमियों का नाम है और स्निफ एंड स्करी ये चूहे का नाम है, चूहे, है ना, चूहे थे उंदिर। फिर आपको बार 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 हम उसका उल्लेख करेंगे कि भूल भुलैया, भूल भुलैया मतलब मेज। तो भूल भुलैया मतलब जहां यह चीज आप ढूंढ रहे वो भूल भुलैया। तो वो जो कहानी में जो है ना, वो भूल भुलैया एक्चुअली मेज है कहानी, और हम अभी हमारे लाइफ में इसको रिलेट करेंगे। तो हमारा भूल भुलैया कहाँ है, हमारा भूल भुलैया है सोसाइटी, फैमिली, कंपनी, होल वर्ल्ड, जहां हम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे, हमको जो चाहिए वो, हमको जो चीज चाहिए वो चीज
हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? सोसाइटी में, समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, फिर हमारे समाज में, हमारे कंपनी में जहां हम काम करते हैं, हमारा बिजनेस है वहां, सब दुनिया वहां हम चीज ढूंढ रहे। और चीज मतलब आप अपने जिंदगी में सबसे जो ज्यादा पाना चाहते हो, अब अभी आपको ये सब रिलेट करना है आपके लाइफ के इसमें, है ना, क्योंकि किताब तो आप पढ़ लेंगे, मुझे आपको आपके लाइफ के बारे में इसको रिलेट करवाने का है। तो चीज मतलब आप जॉब पाना चाहते, आप पैसा जाना पैसा पाना चाहते, एजुकेशन है, बिजनेस है, हेल्थ है, पीस ऑफ माइंड है, रिलेशनशिप, तो ये आपका चीज है। और चीज आप कहाँ पाना चाहते हैं? ये पाना चाहते हैं सोसाइटी में, फैमिली में, कंपनी में, होल वर्ल्ड में, ये आप पाना चाहते हैं। तो ये आपका चीज है, ठीक है ना, ये आपका चीज है। तो ये बताइए कि आपके लिए आपके जिंदगी में ये चीज का मतलब क्या है, आपके लिए ये चीज मतलब क्या है, आप ये पकड़ो, आपके लिए क्या होता है चीज का मतलब, आपको क्या चाहिए? यस, आप शेयर कर सकते, चीज मतलब आपको क्या चाहिए? चीज तो ये किताब का है, हमको ये देखना है हमारे लाइफ में, है ना, तो हमारे लाइफ में आपको क्या चाहिए चीज में? यस, अरुण अग्रवाल बोलिए, अरुण अग्रवाल अनम्यूट करो, बोलो। सर, बिजनेस एंड पीस ऑफ माइंड। तो बिजनेस में क्या चाहिए? बिजनेस तो है, बिजनेस अभी आपका भूल भुलैया, बिजनेस है आपका भूल भुलैया, मतलब मेज है, है ना, मेज है, भूल भुलैया, उसमें आपको क्या चाहिए? बिजनेस में अल्टरनेट बिजनेस, अल्टरनेट बिजनेस मतलब क्या? मेरा भी मेडिकल शॉप है सर। हाँ, और पुणे में कैसा हो गया कि अभी सब ऑनलाइन वगैरह बहुत चल रहा है। हाँ, तो वहाँ पे 30% डिस्काउंट मिलता है, पर हमको परवड़ता नहीं है लेने, कस्टमर सब प्राइवेट हो गए हैं। हाँ, तो बिजनेस अभी ऑलमोस्ट 25% रह गया है, तो अभी बिजनेस में से डाइवर्ट होके दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। हाँ, तो वो ऑल्टरनेट बिजनेस। हाँ, मतलब वो काय के लिए करना है आपको? पैसे के लिए। तो मतलब ये आपका चीज क्या हो गया? पैसा, पैसा। समझे? तो आपका आपका भूल भुलैया क्या है? आपका भूल भुलैया है बिजनेस, मेडिकल शॉप। मेडिकल शॉप में आपको चाहिए ज्यादा इनकम। बराबर, सबको समझ में आ रहा है? गुड। अमरदीप नाराजी को करो, अमरदीप जी अनम्यूट करो। अमरदीप खात खाली करा था अरुण अग्रवाल का। अमरदीप बोलो, अमरदीप थोड़ा ज्यादा लेंगे, 9 बजे ने उसके थोड़ा सा लेट करेंगे, क्योंकि आज हमने पहले इंट्रोडक्शन लिया, पहला हमारा टाइम गया। अमरदीप बोलो, और किसको बोलना है? मनी एंड हाँ सर, हाँ हेलो। तो मनी आपका हो गया नवीन, मनी आपका हो गया चीज, और बिजनेस हो गया आपका हेलो भूल भुलैया। यस हाँ सर, सुन पा रहे? हाँ बोलो। सर मैं 2 दिसंबर को आपको हॉस्पिटल को विजिट दी आपको। ये हॉस्पिटल के बारे में नहीं है, आपको फिर से अनम्यूट करेंगे। ये हॉस्पिटल के बारे में नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है, ये हम जो सेमिनार ले रहे हैं उसके बारे में आप चर्चा करो। हॉस्पिटल के बारे में यहाँ चर्चा होंगी नहीं, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है? तो हॉस्पिटल के बारे में अमरदीप आपको चर्चा करनी है, तो आपको 9822570101 ये नंबर के ऊपर व्हाट्सएप डालो, वहां से अपॉइंटमेंट ले लो, ठीक है? हरिंदर कुमार बोलिए। हेलो। यस, नमस्कार सर। नमस्कार, वीडियो चालू करिए, वीडियो बोलिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते जी। सर बहुत सारी चीजें बताई, चेंज हो रहा है कोविड के टाइम से लेके अब तक हो रहा है, पर मेंटली प्रेशर इतना बढ़ता हुआ जा रहा है जो कंट्रोल करना बड़ा भारी है। हाँ, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या?
सर चाहिए क्या? सबसे पहले तो बॉडी ठीक होगी, मेंटली रिलैक्स होगा आदमी, तभी कुछ कर पाएगा, बाकी चीज तो बाद की बात है। आपको बॉडी फिटनेस चाहिए, फिट होना है आपको, बॉडी फिटनेस चाहिए, माइंड पे इतना रिलैक्स होता है जो थिंकिंग प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है मेरा। गुड, दिमागी का मतलब क्या है कि आपका चीज कौन सा है? आपका चीज है मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, वो आपका चीज है। ठीक है, चीज मतलब खाने का चीज जो अभी अपन इसमें बात करने वाले हैं, आपका चीज कौन सा है? मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, वो आपका चीज है। ठीक है, ठीक है, इसको पकड़ के रखो, इसको पकड़ के रखो, अपने को ये चाहिए। ठीक है, ओके। नितिन चौहान आपको क्या चाहिए? मंगल, मंगल बोलिए आपको क्या चाहिए? मंगल अनम्यूट करो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ, मतलब आपला आपली जी फॅमिली आहे, आपले फॅमिली आणि फॅमिली मेंबर मध्ये स्ट्रॉंग रिलेशनशिप पाहिजे सर, एकमेकांवर विश्वास आणि प्रेम पाहिजे फॅमिली। ओके, म्हणजे ते जगण्याचं एक खूप मोठं माध्यम आहे, मेंटल पीस साठी पण आणि हेल्थ साठी पण। येस, आपका मेज क्या है? आपका जो भूलभुलैया है, आपका मेज है आपकी फॅमिली, आपका परिवार, और उसमें आपको क्या चाहिए? उसमें आपको चाहिए अपनापन चाहिए सर। नहीं, शांति चाहिए, अपनापन चाहिए, प्यार चाहिए। प्यार चाहिए। आपका चीज कौन सा है? आपका चीज है प्यार, अपनापन ये आपका चीज है, और कहाँ चाहिए वो? परिवार में चाहिए। ये पकड़ के परिवार में घुसला हाथ में कौन? रोमन एंड रिंग अरुण डाला है ना। यस, नितिन चौहान बोलो। सर मेरा यानी मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, इसलिए एक और अच्छे रिलेशन चाहिए, रिलेशनशिप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो आपको चाहिए। हाँ, वो चाहिए सर। हाँ, तो आप अब सब लोग अपना अपना चैट बॉक्स में डाल दो, आपको चाहिए क्या, तो आपका चीज कौन सा है, और आपका भूल भुलैया कौन सा है ना। आप समझ में आ रहा है, चीज कौन सा है और भूल भुलैया कौन सा है, वो आप डालो आपका चैट बॉक्स में, है ना। आपका चीज क्या है और आपका भूल भुलैया क्या है, आपके लिए आपकी जिंदगी में, अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा जो पाना चाहते हैं, है ना। चीज मतलब आप अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा जो पाना चाहते हैं वो जॉब हो सकता है, पैसा हो सकता है, एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, ये हो सकता है। और भूल भुलैया मतलब जहां यह चीज आप ढूंढ रहे हैं, सोसाइटी है, फैमिली है, कंपनी है, होल वर्ल्ड है, उसमें आप ढूंढ रहे हैं। यस, आपने लिखा होगा सबने, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा। यस, सभी लिख रहे हैं। यस यस यस, और जो बार बार जो लोग पूछ रहे हैं सेक्स के बारे में जानकारी चाहिए, तुम्हारा सेक्स का वेबिनार कब है? नहीं, कल वो इसका है ना, सेक्स काउंसलर का है ना। हाँ, महोदय का है, कल 7 बजे है, कल हमारा सेक्स वेबिनार 7 बजे है, और जिनको भी आने की इच्छा है उनको मैं एक लिंक डाल रहा हूँ, वो वेबिनार में कल शाम को 7 बजे आप आ सकते हैं, ताकि जो लोग यहाँ उसके लिए जवाब चाह रहे वो उनको नहीं मिल सकता है, वो कल मिलेगा। ठीक है, ओके, गुड, बहुत बढ़िया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास जब चीज है तो आप खुश रह सकते हैं। चीज मतलब आपके पास में मकान है, आपके पास में हेल्थ है, आपके पास में जब रहता है ना जो आपको चाहिए वो, तो आप बहुत खुश रहते हैं। आप बोलते हैं है, कोई चिंता नहीं, मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप बहुत ही खुश रहते हैं। आपके पास में पैसा है, खुश है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, खुश है, बोले मस्त चल रहा है, और आप बहुत ही कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। अब मैं हरदम बोलता हूं कि आपको कंफर्ट जोन छोड़ना होगा,
आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही होगा, बिल्कुल छोड़ना होगा आपको कंफर्ट जोन में। होता क्या है कि आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो और आप कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल हो जाते हो और कुछ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में पैसा है, पैसा आपको 15-20 हजार रुपये 25 हजार रुपये मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो आप बोलते सब ठीक चल रहा है, 20-25 हजार रुपये महीना मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चल रहा है चलने दो, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाते, कुछ करने की इच्छा है। आपकी हेल्थ अच्छी है, बोले सब तो अच्छा चल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप ना टेस्ट करते हैं, ना आप हेल्थ चेकअप करेंगे, ना आप एक्सरसाइज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बोले सब अच्छा चल रहा है और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपका बिजनेस चल रहा है, चलो बिजनेस अच्छा चल रहा है, गिराई की अच्छी चल रही है, रोज के गिराई आते हैं, रोज का माल बिक रहा है, बोले ठीक है अच्छा चल रहा है सब कुछ, कंफर्टेबल जाते, कुछ करने को तैयार नहीं है, फिर बस कंफर्टेबल जाते। मैं हरदम बोलता हूं कि जब आप ग्रो नहीं करेंगे तो आप श्रिंक हो जाएंगे, आप बड़े नहीं होंगे तो आप छोटे होंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक तो बड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो छोटा होना पड़ेगा। एक जगह साइकिल खड़ी नहीं सकते, एक तो साइकिल पैडल मारो आगे जाएंगे, नहीं तो आप गिर जाएंगे, समझ में आया। तो क्या होता है कि जब अपने पास में चीज है, जब पति पत्नी की पट रही है, बोले है सब कुछ तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, कंफर्ट जोन में आ जाती है। फिर एक दिन मालूम पड़ता है कि घर में पत्नी नहीं है, बैग उठा के चली गई, बोले क्या हो गया, बोले क्या है, तो पूछते नहीं है, बात भी नहीं करते, अपने अपने काम में बहुत बिजी है, यहाँ रह के करना क्या है, चले जाती हो, बोले ऐसा कैसा हो गया, ऐसा हुआ ही कैसे, क्या मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये स्टोरी है, ये स्टोरी मैं शुरुआत करता हूं। ऐसा है कि स्निफ एंड स्करी जो चूहे है, तो वो चूहे बहुत भूखे हो जाते हैं, उनको बहुत भूख लगती है, तो उनको जब भूख लगती है तो वो एक भूल भुलैया रहता है, मेज भूल भुलैया, तो उनको लगता है कि उसमें कुछ तो भी खाने को मिल जाए, तो वो खाने को वो अंदर भूल भुलैया में अंदर घुसते हैं, और जम करते करते कुत्ते कुत्ते चूहे रहते ना, कूदना है कुत्ते कूदते कुत्ते कुत्ते वहां अंदर घूम रहे, चीज ढूंढ रहे, और वो ढूंढ रहे तो उनको चीज एक जगह बहुत बड़ा चीज स्टेशन मिल जाता है। इतना चीज रहता है वो, इतना बड़ा एकदम फ्रेश ताजा और बहुत बड़ा चीज, ऐसा दिखता है कि वाह क्या चीज है, और बहुत बड़ा चीज उनको मिल जाता है, बहुत खुश हो जाते हो, अरे अपने को चीज तो मिल गया। वहां जैसे वो अभी तक क्या करते थे, रोज सवेरे उठते थे ढूंढने जाते थे, उनको चीज मिलता नहीं था, वापस आते थे भूखे प्यासे, फिर सवेरे उठते थे जूते पहनते थे, लेस लगाना, सॉक्स पहनना, जूते पहनना, लेस लगाना, जॉगिंग ट्रैक पहनना, सवेरे सवेरे निकलना, दौड़ना, देखना भाई खाने को कुछ मिलता है क्या, तो मिलता नहीं था, ऐसा रोज चालू था, और एक दिन उनको ये मिल गया, एक दिन उनको ये चीज मिल गया। और वैसे ही जो हेम और हॉ, ये जो दो आदमी थे, उनको भी वैसे ही था कि रोज सवेरे उठो भूख लगती है, खाना खाने के लिए दौड़ो, खाना मिलता नहीं था, तो वो भी ये मेज में घुस गए अंदर भूल भुलैया में, वो भी अंदर घुस गए भूल भुलैया में, और वहां दौड़ते देख रहे इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ खाने को मिलता है क्या, और जहां वो चीज रखा था, जहां स्निप और स्करी वहां आए थे, वहीं वो भी वहां पहुंच गए, और वहां उनको वो मिल गया, और वो भी बहुत खुश हो गए कि वाह, उनको मुंह को एकदम पानी आ गया, बोले क्या मजा आ गया, चीज मिल गया। बहुत बड़ा चीज स्टेशन है, स्निफ एंड स्करी भी है, हेम एंड हॉ भी है, बहुत भरपेट उन्होंने खाया, चारों ने बहुत दबा के खाया, पानी पिया, ढकार दिया मस्त, और वहां से वापस बाहर आ गए, और अपने घर जहां वो रहते थे वहां चले गए। फिर दूसरे दिन सवेरे उठे, अब तुमको मालूम हो गया, अब तो ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, सुबह उठे फिर अपना जॉगिंग ट्रैक, अपना जॉगिंग सूट पहना, जूते पहने, सब तैयारी में दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गए, मालूम था आप कहाँ है, फटाक से मेज में घुस गए, फटाक से वो चीज से अंदर पहुंच गए, मस्त खाया, ढकार दिया, थोड़ा सा वहीं सो लिए, और वापस आके अपने घर में मेज के बाहर आके सो गए,
मतलब दूर वहां जिनका घर था वहां जाके सो गए। हेम और हा हाँ वो भी ऐसी था, सवेरे उठे मालूम था आप चीज कहाँ है, जाओ मस्त खाओ दबा के फटाक से और मस्त ढकार दो और वापस आके शाम को अपने घर में सो जाओ। अब ये रोज का इनका उपक्रम चालू है, रोज उठना जाना चीज खाना। अरे बोले इतना बड़ा स्टेशन है, इतना बड़ा चीज है, अब ये चीज में अपने को तो जिंदगी भर पूरेगा इतना चीज है, जिंदगी भर तो सवाल ही नहीं। अब तो अपनी जिंदगी मस्त हो गई, जिंदगी भर अपने को पैसा पूरेगा, जिंदगी भर अपना धंधा चलेगा, जिंदगी भर अपनी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, जिंदगी भर मैं फिट रहूंगा, मस्त फर्स्ट क्लास, अब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और उनको धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि सारा इतने दूर क्यों जाना, घर में अपन ऐसा करेंगे मेज के बाहर ही अपना घर बनाएंगे। वो क्या करते हैं, मेज के बाहर ही स्निफ एंड स्क्री अपना घर बनाते, हेम एंड हॉ अपना घर बनाते मेज के बाहर, वहीं रहना, सुबह उठना अंदर घुसना, खाना खाना चीज का, वापस आके सो जाना, मस्त चल रहा है फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत खुश। ऐसा रोज चालू था। और यहां हम आज खत्म करते हैं, फिर बाद में क्या हो गया अगले सेशन में करेंगे। आपको क्या समझ में आ गया इसमें? यस हाथ हाथ ऊपर कर, जिनका हाथ ऊपर है उनको ले लो। हमारा भी जिंदगी में ऐसे ही देखते जाओ, जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं, है ना, खुश हो जाते हैं फटाफट। हाँ यस राजेश्वर, कंफर्ट जोन में हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं बहुत। हाँ कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं कर पाते। यस जैसे वो हेम एंड हॉ स्निफ एंड स्क्री हो गए, कंफर्टेबल हो गए, खाना खाने को रोज मिल रहा है फुकट का, अंदर जाना बहुत बड़ा चीज है, खाओ चले आ जाओ। हाँ तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अभी मैं अभी तक पापा के ऊपर डिपेंड हूँ। हाँ चल रहा है ना मस्त। हाँ हाँ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अभी वो रिटायर होने वाले हैं तो ऐसा हाँ, प्रेशर भी आता है कि अब कैसे होगा आगे, अब कैसे होगा, बराबर है ना। देखो अपना अपना देखो चीज, अपना चीज देखो कहाँ है, मस्त मिल रहा है, चालू है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, और आप बेफिक्र हो जाते हैं, और यहाँ पर्दा डाउन, एक अंक खत्म आज का। देखो आपको अभी क्या करना है, आपको भी देखना है कि अपना चीज कहाँ है। 10 सेशन, अगले 9 सेशन में हम जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारे जो विश्वास पक्के बने हैं बिलीफ सिस्टम को हम हटाकर एक नया बिलीफ सिस्टम तैयार करें, इसमें नया बिलीफ सिस्टम तैयार करें, जो नया बिलीफ सिस्टम को अपनाना मुश्किल हो जाएगा अपने। और वो इसलिए हमने 10 सेशन रखे है, मैं तो ये किताब अपन 2 घंटे में खटाक से पूरे कर सकते हैं, मैंने इसके 2-2 घंटे के बहुत सेशन लिए हुए। 2 घंटे में जब फिजिकल चल रहा था, फिजिकल मीटिंग, तो मैंने यहाँ आईएमए हॉल है यहाँ, वहां लिया था सेशन, इतनी भीड़ हो गई थी वहां, लोगों को बैठने को जगह नहीं, इतनी भीड़ हो गई थी, 2 घंटे में खत्म किया था मैंने पूरा। हम ये 10 सेशन कर रहे हैं, है ना, तो 10 सेशन इसलिए करना है कि अपने को हर बार अपने लाइफ में देखना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बदलाव अभी आने वाला है, अभी ये स्निफ एंड स्क्री, हेम एंड हॉ, इनके लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सा बदलाव होने वाला है, क्या होगा, तो फिर आगे हम देखेंगे आगे आने वाले शनिवार परसों के दिन। यस बसवराज, हाँ तिकड़ला है पुनः, हाँ बोलिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, कोई भी चीज आसान नहीं मिलना चाहिए सर। वीडियो वीडियो चालू करो, वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है सर। अच्छा ओके बोलिए। कोई भी चीज आसान नहीं मिलना चाहिए सर, आज का सेशन में हमको यही अच्छा लगा सर, कोई चीज स्ट्रगल करना ही चाहिए। हाँ नहीं नहीं, मगर आज का सेशन में हमने क्या देखा कि जब चीजें अपने को आसानी से मिल जाती है और जो चल रहा है, तो हम क्या बोलते, जो चल रहा है उसको चलने दो। क्यों स्ट्रगल करना, क्यों स्ट्रगल करना, क्यों स्ट्रगल करना, जो चल रहा है वो चलने दो, मस्त चल रहा है, बाहर से वहां मस्त चल रहा है। क्यों, कैसे हो बसवराज? आराम है सर, ठीक है एकदम। कहाँ से आप, कहाँ से आप? हम बेलगाम से है सर। बेलगाम से? हाँ इतना सर,
मजा मा फर्स्ट क्लास। हाँ आराम इधर सर नहीं भैया किधर हाँ चना किधर मस्त चना किधर सर चना किधर मस्त चना चना किधर सर ना दरे नन मिसेस के आराम मिला सर आधे प्रॉब्लम किधर यस तो चना किधर चना किधर यस चना किधर मस्त चल रहा है वो है ना ओके सर यस नवीन हाँ सर सर हम इस सेशन से जो मुझे समझ में आ रहा है सर जैसा हम डेली डेली जिंदगी में क्या कर रहे हैं तो रूटीन वर्क कर रहे हैं सर जैसा सुबह उठना ऑफिस जाना फिर उधर जो भी काम मिला वो करना फिर वापस आके फिर घर में रह जाना तो जहां जा मतलब हमें सक्सेस मिल रहा है मतलब एक सक्सेस मिल गया उसी रूट में हम अपने आप को चेंज नहीं कर रहे तो सेम वे में हम लीड कर रहे हैं हमारा yes. जो घर का रास्ता मतलब ऑफिस का रास्ता है जो पैटर्न है वही रहता है ये सब मतलब रूटीन हो गया सर वो yes, थोड़ा चेंजेस yes. करना जरूरी है हमारी जिंदगी में मगर और आज का और एक देखना है कि आप कैसे कंफर्टेबल हुए हैं वो आपने देखना है नंबर एक और नंबर दो आपको धोखे की सूचना मिल रही है मगर आप उसके तरफ देखते नहीं हो तो आपको कौन सी धोखे की सूचना मिल रही है और मिलती रहती है जैसा yes, मैं हरदम बोलता रहता हूँ कि आपकी बेटी है 14 साल की 15 साल की बेटी है 16 साल की बेटी है घर में लेट आ रही है पूछा कहाँ जा रही कहाँ गई थी नहीं बोले फ्रेंड के पास में गई दोस्त के पास में गई आप पूछते नहीं कौन सा दोस्त क्या दोस्त गर्लफ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है क्या हो रहा है भाई क्या नहीं मालूम ही नहीं है एक दिन तुरंत अचानक मालूम पड़ जाता है अरे वो तो कोई तभी लफड़े में प्यार में है और वो बोलती है अभी मेरे को इसके साथ में शादी करना है अब तो बाकी दूसरा चलता ही नहीं आपको हिंट मिली थी आपने ख्याल नहीं दिया तो लोग बोलते हैं अभी लड़की ऐसी है वैसी है उसको हमारे से कोई प्यार है ना तो उसने हिंट दिया था तो जब हम क्या करते हैं हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हमको हिंट मिलती रहती है मगर हम वो हिंट के तरफ ख्याल देते नहीं है खतरा होने वाला है बोल रहा है सामने वाला मगर हम ख्याल देते नहीं देखो बारिश आने के पहले बादल आते हैं है ना गड़गड़ाहट होती रहती है ऐसे एकदम बारिश नहीं आती है यस सर यस नितिन बर्डे बोला सर मराठी बोलू शकतो ना नहीं नहीं हिंदी मध्ये बोला हिंदी में बोलेंगे सबको समझ में आए मला आपल्या आजच्या या सेशन मधून असं कळालं की आपल्या जवळ जेवढा आहे त्याच्यातच आपण खुश आहे हाँ आणि खुश राहतो जितना ये बोल रहे की जो अपने पास में है उसमें अपन खुश हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं और वो खुशी आपका चीज कब निकल जाता मालूम ही नहीं पड़ता हाँ सर बरोबर है और आप बोलते अरे मेरा चीज कहाँ गया मेरा चीज कहाँ गया ऐसा कैसा हो गया हाँ सर और ऐसा कैसा हो गया ऐसा कैसा और तुम हाँ मालूम नहीं ऐसा कैसा हो गया तुमने हाँ वो अभी तक आंखें बंद करके बैठे हाँ सर क्योंकि रोज मिल रहा है खा रहे पी रहे मस्त सो रहे अच्छा चल रहा आपको लगता कि जिंदगी भर अभी देखने का वो स्निफ एंड स्करी को लगा कि अपने को अभी जिंदगी भर देखने का कारण नहीं है इतना बड़ा चीज है कि अपने को जिंदगी भर पूरेगा ये कुछ देखने का कारण ऐसा उनको लगा यस सुनीता जी क्या समझ में आया आपको सुनीता अगर रोज वही वही काम करेंगे तो आगे तो बढ़ेंगे ही नहीं और वो जो चीज है जैसे वो चीज है वो एक ना एक दिन तो खत्म होगी फिर क्या करेंगे तो आगे फिर क्या सोचना करें? हाँ उसका सोचना जरूरी है मगर वो कोई सोचने को तैयार नहीं तो प्रॉब्लम है यस अभिजीत सदविलकर बोलिए हेलो हाँ बोलिए हाँ कैन यू लिसन मी हेलो यस हेलो यस हाँ जी मुझे यहाँ पे जो आपने प्रिंसिपल बताया जो भी व्हाटएवर वो मुझे बराबर मैं एग्री हूँ लेकिन इसमें एक बात है जो हम मैजिक का वर्कशॉप लेते हैं हर मॉर्निंग पे हाँ. कि अगर हम धन्यवाद दे कृतज्ञता दे जो मुझे मिल गया है जो चीज मुझे मिल रहा है उसके प्रति मैं धन्यवाद दूं हमेशा ग्रेटिट्यूड रखूं तो वो मुझे और मिल जाएगा और मिल जाएगा वो कभी मेरी लाइफ से खत्म नहीं होगा अगर वो मैं मैजिक प्रिंसिपल फॉलो करूं तो ये इसमें इससे कॉन्ट्रास्ट है इससे जो अभी जो आपने बताई उससे कॉन्ट्रास्ट है
क्या है अभी जी, जीव की कोई भी चीज जो है ना, सुनो, कोई भी चीज हम जब बोलते हैं तो उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट रहता है, संदर्भ रहता है। तो वो जो है ना ग्रेटफुलनेस और अभी मतलब ये थैंकफुलनेस जो है, कृतज्ञता, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है और हम जो ये कर रहे हैं इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। संदर्भ, ये अलग संदर्भ में हम बोल रहे हैं। तो संदर्भ जो है ना वो निर्णायक होता है। देखो एक माँ अपने बच्चों को बोलती है, डांटती है कि तू खाना मत खा, खाना मत खा। अब माँ डांटेगी, आप सुनिए अरे बच्चों को, कितने माँ क्रूर है, बच्चों को खाना नहीं बोल रही, खाना मत खा। अब क्या सुनेंगे इसको, अरे कैसी माँ है, बच्चों को खाना नहीं खिला रही। और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, अरे उसको लैट्रिन लगी हुई है, सवेरे से लूज मोशन हो रहे है और डॉक्टर ने बोला है कि अब इसको खाना मत खिलाओ, इसलिए उसको खाना नहीं दे रहे। बच्चा बोला मेरे को भूख लगी, खाना खिलाओ, डॉक्टर ने बोला है खाना नहीं खिलाना है। आप सुनेंगे खाना नहीं खिलाना कैसी माँ है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, माँ के दिमाग में कि नहीं इसकी तबीयत अच्छी होना चाहिए इसलिए वो खाना नहीं खिला रही। अगर समझे तो सवेरे का जो सेशन है उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, यहाँ पे जो मिल रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट अलग, यहाँ पे जो मिल रहा है वो अबेंडेंस में और मिलेगा अगर हम थैंक यू बोले उस चीज के लिए। अलग कॉन्टेक्स्ट, वो अलग कॉन्टेक्स्ट, वो अलग कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, ये अलग है। या राइट राइट ना, कोडैक फिल्म में वही किया, कोडैक फिल्म जो मिलती थी बोले नंबर एक की कोडैक फिल्म है, बोले हमको बदलने का नहीं है। लोग उनको जाके बोले, बोले बदलो, अभी डिजिटल कैमरा आएगा, तुम्हारी फिल्म कोई वापरेगा नहीं, तुम्हारा कैमरा हमें कोई लगेगा नहीं, फिल्म की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो डिजिटल कैमरे आ रहे तुम बदलो। बोले हम नहीं बदलेंगे। अब बोलते थे हम थैंकफुल है, कोडैक फिल्म वाले बोलते हम थैंकफुल है, कोडैक फिल्म जो है बहुत अच्छा मिलेगा, तो होता था क्या उनको, नामोनिशान मिल गया कोडैक का। बोले नहीं, कोडैक बहुत ही अच्छी फिल्म है हमारी, वो ऐसे करते रहे, हम बहुत कृतज्ञ है, कोडैक फिल्म में हमको अमीर बनाया, कोडैक फिल्म में हमको ऐसा बनाया, कोडैक फिल्म में हमको ऐसा बनाया, कोडैक फिल्म थी अमीर बन गए, करोड़पति बन गए, कोडैक फिल्म धन्यवाद, कोडैक फिल्म बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत ग्रेटफुल है कोडैक फिल्म के प्रति। कहाँ दिख रहे, है ना, तो वो अलग कॉन्टेक्स्ट है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट। सर अपने गीता में भी बताया गया है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और उसको अपने को स्वीकार करना चाहिए, अगर उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा तो उसकी बर्बादी निश्चित है। यस, ये गीता में भी बताया गया। यस, तभी हमारे इसमें करीब करीब 160 लोग आए थे, अभी 147 बचे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, हम चर्चा करते जाएंगे। मेरा आपसे वादा है कि आपकी जिंदगी वो नहीं रहेंगे जो आज है, 10 सेशन के बाद में 5 हफ्ते में पूरा करेंगे। और आप ये लोगों को लिंक शेयर करो, उनको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल रहे, वो टेलीग्राम ग्रुप में उनको ज्वाइन करो, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, यूट्यूब चैनल के ऊपर उनको सब्सक्राइब करने लगाओ, ताकि उनको समझो आपका डूब जाता है तो वहाँ आपको देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा। और ये किताब आप जरूर पढ़ो, किताब खरीदो और अपने लाइफ से रिलेट करो। देखो ये मैं कोई भाषण दे के आपका मनोरंजन करने आया नहीं हूँ, मुझे आपका मनोरंजन करना नहीं है, मनोरंजन के लिए कार्यक्रम नहीं है। मैं मुझे ये देखना है कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बने, आपकी जिंदगी बहुत प्रॉस्परस बने, आपकी जिंदगी में बहुत पावर, फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन और पीस ऑफ माइंड रहे, और वो आपको मिलना चाहिए करके ये प्रोग्राम हम ले रहे हैं। सिर्फ आएंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो आपको हमने ये दिया हुआ है, आज का होमवर्क ये है कि आपको देखना है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या, कौन सी चीज आपको पाना है, जो मिल रही है उसमें आप कैसे मस्त मजे में है और आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो, कुछ थ्रेट आपको मिल रहे है क्या, भाई ये कुछ खत्म होने वाला है चीज, रहने वाला है वहाँ, ये सब आपको देखना है। शनिवार को मिलेंगे रात को 8 बजे। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अकेले आना मना है, कम से कम 10 लोगों को ये लिंक शेयर करो और 10 लोगों को ये बोलो, उनके जिंदगी में फर्क पड़ेगा और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अकेले मत आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रोग्राम में लाइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।